सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दियां खास खास खबरां ते। अमृतपाल सिंह ते कसिया शिकंजा, देश तो बाहर भज्जण दे सारे रस्ते किते बंद। अमृतपाल दे परिवार तो पंजाब पुलिस ने की पुछगिछ। कांग्रेस ने अमन कानून की स्थिति को लेकर सदन चो किया वाकआउट। प्रताप बाजवा ने कहा जिमनी चोण जितने लिए जलंधर च किया गया अमृतपाल सिंह खिलाफ ऑपरेशन। मनप्रीत इयाली ने बेकसूर नौजवानों ते नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने का किया विरोध। इयाली ने कहा सरकार कानून के दायरे च काम करे ते बेकसूर नौजवानों नू तुरंत रिहा करे। श्रोमणी अकाली दल देवेगा बेकसूर नौजवानों नू कानूनी मदद। सुखबीर बादल ने वकीलों की बनाई 13 मैंबरी कमेटी। एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर करनगे कमेटी की अगवाई। अते अमृतपाल खिलाफ चल रही कार्रवाई तो खुश पंजाब भाजपा। अश्विनी शर्मा ने थापड़ी सरकार की पिट, क्या सरकार दृढ़ता नाल कदम चुके, असी देवांगे पूरा साथ। ते हुण खबरां दा विस्थार। पंजाब पुलिस वालों भगौड़े करार दिते गए वारस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह विरुद्ध। लुकआउट सर्कूलर ते गैर जमानती वारंट जारी कर दिता गया है। पुलिस नूं खदशा है कि अमृतपाल सिंह किसी दूजे राज विच दौड़ गया है, वह उत्थों विदेश निकल सकता है। पुलिस वालों अमृतपाल सिंह की गिरफ़्तारी लिए निरंतर यतन जारी ने। इस कार्रवाई च पंजाब पुलिस दूजे राज्यां ते केंद्रीय एजेंसियां दा सहयोग लै रही है। इस विचाले अज पंजाब पुलिस अमृतपाल दे घर पहुंची। पिछले कई दिनों तो जल्लूपुर खेड़ा पिंड दे बाहर पुलिस दा सख्त पहरा है। अज DSP हरकृष्ण सिंह ते महिला पुलिस अधिकारी दे नाल कई पुलिसकर्मी अमृतपाल दे घर पहुंचे। उन्हां वालों अमृतपाल दे माता अते परिवार तो पुछगिछ की गई। पुलिस वालों अमृतपाल सिंह दी पत्नी तो भी पुछगिछ कीते जाण दी खबर सामने आई है। वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह दीआं मुश्किलां वधदीआं होईआं विखाई दे रही है। हुण पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह दे घर पहुंच चुकी है। दसा जांदा है कि पिछले कई दिनों तो जल्लूपुर खेड़ा पिंड दे बाहर पुलिस दा सख्त पहरा सी, पर अज DSP हरकृष्ण सिंह अते महिला उच्च अधिकारी दे नाल कई पुलिसकर्मी अमृतपाल सिंह दे घर पहुंचे। इस दौरान अमृतपाल सिंह दी माता अते परिवार तो पुछगिछ कीती जा रही है। फिलहाल पुलिस अपने पदर ते लगातार छापेमारी भी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट अनुसार पुलिस वालों अमृतपाल दी NRI पत्नी किरणदीप कौर दे खाते खंगाले जा रहे ने अते पता लगाउण दी कोशिश कीती जा रही है कि किते उसदे खालिस्तानियां नाल कोई संबंधता नहीं। दस दईए कि भगौड़े अमृतपाल सिंह ते पंजाब पुलिस दी कारवाई लगातार जारी है। नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाउण तो बाद हुण पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह खिलाफ लुकआउट नोटिस अते गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिता है। सर्च ऑपरेशन चला के पुलिस उसके साथियों नु लगातार गिरफ्तार कर रही है। हुन जिस गड्डी तो बाद अमृतपाल सिंह बाइक ते सवार होके भज्जिया सी, ओ भी पुलिस ने बरामद कर लिया। यह जानकारी जलंधर दे SSP स्वरणदीप सिंह ने साझी कीती है। ब्रेजा कार जिस दे विच अमृतपाल सिंह भज गया सी, पुलिस ने ओ पहला ही बरामद कर ली सी। अमृतपाल सिंह नु हुन भज्जन दे विच मदद करन वाले चार व्यक्तियों नु भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच विच भी सामने आया कि अमृतपाल पुलिस नु चकमा दे के शाहकोट दे गुरुद्वारा साहिब पहुंचा सी। इस तो बाद पिंड नंगल अंबिया दे गुरुद्वारा साहिब विच ब्रीजा कार खड़ी सी। उथे ही उसदे नाल 3-4 व्यक्ति भी मौजूद सन अते 2 मोटरसाइकिल भी उस समय मौजूद सी। गुलाबी पग दे विच अमृतपाल सिंह दा बदलिया लुक वेखन नु मिलिया। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह दे बदले हुए लुक दीआं तस्वीरां जारी कीतीआं ने, जिस दे विच अमृतपाल पैंट शर्ट पहनी हुई अते सिर ते गुलाबी रंग दी पग बनी नजर आ रही है। पंजाब विधानसभा अज कांग्रेस ने सूबे की अमन कानून की स्थिति को लैके भगवंत मान सरकार को घेरिया। अज जिवें ही पंजाब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा ते होर कांग्रसी विधायकों ने कानून व्यवस्था ते बहस करने की मांग की। स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी तो कांग्रसी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वाकआउट कर दिता। विरोधी धिर के लीडर प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि भगवंत मान ने जलंधर की जिमनी चोण च फायदा चुकने लिए ऑपरेशन अमृतपाल जलंधर च चलाया। पुलिस चाहती तो अमृतपाल उसके पिंड तो ही गिरफ़्तार किया जा सकता सी। बाजवा अनुसार वड्डी गिणती पुलिस मुलाजम अमृतपाल गिरफ़्तार नहीं कर सके, ये एजेंसियों की वड्डी नाकामी है। अज मुड़ तो पंजाब विधानसभा दे बजट इजलास दी कारवाई शुरू हो चुकी है। सदन दी कारवाई शुरू हुंदिया ही अमृतपाल सिंह दा मुद्दा मुड़ तो चुकिया गया। इस दौरान रोस विच आई कांग्रेस पार्टी दे वल्लों सदन दे विच हंगामा करदी होई वॉकआउट कर दिता गया। विधानसभा तो बाहर आके विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा अते होर कांग्रेसी आगुआं ने पत्रकारां नूं संबोधन किया, जिस विच उन्हां ने पंजाब अते केंद्र सरकार ते इल्जाम लगाए है। ऑनरेबल हाई कोर्ट दे जस्टिस ने पुछिया भगवंत मान की सरकार को पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को एक व्यक्ति
अमृतपाल सिंह जिहदा नाम उन्होंने 80,000 बंदा पंजाब पुलिस का की गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन्होंने इंडाइटमेंट की है, गल कह के इट इज अ कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर। ये पहली बार नहीं होया, दूजी बार हो चुके हैं। जदों फरवरी के महीने में अमृतपाल साथियों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया, एक दिन पहले 24 घंटे तकरीबन उन्हें पहले वार्निंग दी सी असीं चले हैं, इन्हें को नहीं रोकया गया। ये साफ तौर देखो आ गल मेरी सुन लो, जे अमृतपाल नूं गिरफ्तार करना होंदा वो सवेरे 8-9 बजे वो पिंडों भी गिरफ्तार कर सके जिथे वो सारे 35-40 लोग उन्हूं शाहकोट के एरिए लिया के जलंधर के चंगी तरह थोड़ा समझ लो, पंजाब के लोगों को समझ लो। जे जलंधर में सारा ऑपरेशन होया तो बेसिक कारण की बेसिक कारण से जलंधर की पार्लीमेंट की बाय इलेक्शन, वो पिंड से अमृतसर जिले के उतों तक ही खबर रह जानी सी। जलंधर के शाहकोट एरिए जरा इन वालों जरा ऑपरेशन किया गया सेंट्रल एजेंसीज ना, एक सोची समझी रणनीति के थले सेंट्रल ने अपना बेनीफिट लेना सी। भगवंत मान जलंधर के इस इलेक्शन क्योंकि उन्होंने इस गल का इलम सी कि पहली इलेक्शन तिना महीनिया संगरूर तो मैं अपने जद्दी हल्के चो हार चुके, दूजी इलेक्शन जलंधर के जिदन मैं हारिया तो बाकियों का तो मैं पता नहीं, ये 100% बनी हो जाए लगातार इस गल वाल दोहरादिया ने कि जो कुछ इतने होया एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के मुताबिक होया, तो जिन्हों गिरफ्तार करना चो गिरफ्तार नहीं होया। कोई मान सकता इन्हें इस गल को तस्लीम कर सकता है? 80,000 बंदे की फोर्स लगी हो सारे गिरफ्तार हो जाए तो इन्नी वधिया इन्हां दी इंटैलीजेंस है, वो फोटो मोटरसाइकिल के भजदियां दी कार दियां नंबर प्लेटा दूसरे कपड़ियां दे सिविलियन कपड़ियां विच नज़दीकी दियां फोटोग्राफ्स कित्थों आए ने कित्थों गए ने कित्थों ब्रीजा गड्डी लई है कित्थों मसरी छड्डी है कित्थों मोटरसाइकिल लिया, वो सारी इन्हां को इतला है। दस दिए कि विधानसभा का इजलास 3 मार्च तो शुरू होया सी जो 11 मार्च तक चलिया। बजट सैशन के पहले पड़ाव दौरान पंजाब सरकार ने पंजाब बजट 2023-24 पेश किया सी, जिस तो बाद भी काफी हंगामा हुंदा विखाई दिता सी। अज बजट इजलास का दूजा पड़ाव शुरू होया जिस विच भी काफी हंगामा हुंदा विखाई दे रहा है। अमृतपाल के मुद्दे ते अज कांग्रेस ने मान सरकार ते तिखे हमले किए। विधानसभा के बाहर पत्रकारां नाल गलबात करदिआं पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने सरकार की कारगुजारी ते सवाल चुके ने। इस दे नाल ही राजा वड़िंग ने सूबे की पुलिस नूं भी लंबे हाथी लिया। वड़िंग ने कहा कि अमृतपाल पिछे सरकारां साजिश कर रही ने। उन्हां सवाल किया कि इन्नी फोर्स के बावजूद अमृतपाल निकल किवें गया। वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल दे मामले ते विरोधियां ने सूबा सरकार नूं करड़े हथी लिए। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दा कहना है कि तुहाडे तो अजे मुख दोषी नहीं फड़िया गया, एवें लोकां नूं क्यों परेशान कर रही हो। नाल ही उन्हां ने पुलिस अते सरकार दी कारगुजारी ते भी सवाल खड़े किते ने। हर व्यक्ति कह रहा पंजाब दे किसे व्यक्ति नूं पुछ लो कि ए व्यक्ति दे पिछे सरकारां साजिश कर रहीआं ने, जदों सारे फड़ ले 80,000 बंदे की कल इन्हों हाईकोर्ट ने भी कोसिया, इन्नी फोर्स के बाद फिर अमृतपाल निकल किवें गया, किवें फिर यहाँ मतलब सारा प्लैन अमृतपाल को पता से भी थोड़े मगर लगांगे, फिर उत्थे तू जाएगा मोटरसाइकिल से जाएगा तेरे को इमीजिएटली मोटरसाइकिल चालक भी आ गया, कितने गया थोड़ा नैटवर्क, कितने गया थोड़ा वायरलैस सिस्टम और थोड़ा TPM, हर मोड़ से थोड़ा पुलिस वाला, हर शहर से थोड़ा पुलिस वाला, फिर वो निकल किवें गया। मैं बिल्कुल जिहड़े कि देश विरोधी गतिविधियां करते हैं जां खालिस्तान की गल करते हैं, मैं उन्हां तमाम लोगों के खिलाफ है, उन्हां ते बनदी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए है। लेकिन बहुत सारा जिहड़ा यूथ एवें बेचारा फॉलो करता सी जां वेखता सी जां कोई ट्विटर अकाउंट ते सी चाहे कोई उहदे नाल किसे अजनाला घटनाक्रम दे विच पिछे सी, उन्हां व्यक्तियों के खिलाफ किसी प्रकार की संगीन कार्रवाई करनी मैं समझना कि ये बेहद माड़ी गल है। असल व्यक्ति नूं फड़ो, ये सारा घटनाक्रम थोड़ा रचाया हुआ है। मैनूं तां शक है कि सरकार ही ये सारे
मैं तो पहले दिनों कह रहा कि एजेंसियों का काम है, बंदा आया कितों आया किवें वो आया किवें शामिल होया किवें दस्तारबंदी हुई किवें कमें घटनाक्रम को अंजाम दिता रहा ओवरनाइट किवें पापूलर होया हूँ इन्नी तमाम बटालीयन के बाद फिर किवें भजया हूँ मोटरसाइकिल वाली वीडियो आ गई कि मोटरसाइकिल से जा रहा है। सो ये तमाम मैनू ये शक है सरकार की नीयत पर शक है कि दोनों सरकार दिल्ली की सरकार तो इतों की सरकार इहदे विच कोई इन्हां दी साजिश है। और मैं दोबारा फिर बेनती करना चाहुंदा कि जिहड़ा विचारा आम जिहड़े विचारा यूथ है उहदे ते पंजाब दे नौजवानां ते किसे प्रकार दी होर कारवाई करन दी लोड़ नहीं है। हाँ जिन्हां लोगों ने शासन नूं अंजाम पहुंचाया जां देश दी आबरू नूं खतरा जां पंजाब दी आबरू नूं खतरा उहनां ते कारवाई होनी चाहीदी। इस दे नाल ही बीते काल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वल्लों लिफाफा कल्चर नूं बंद करन नूं लै के बयान जारी कीता गया उस उते भी राजा वड़िंग ने अपना प्रतिक्रम साझा किया। 100% जो जिहदे ते कारवाई नहीं करनी हुंदी उहदा बंद लिफाफे च रिपोर्ट भेज दिंदे अफसर, क्यों नहीं जग जाहिर करते जिहड़ी रिपोर्ट है जनतक लोगों के सामने आनी चाहिए है जिहड़ी भी रिपोर्ट है तां जो लोगों नूं पता लग जाए सच दा सच सच की है। दस दईए कि अज पंजाब विधानसभा दे बजट इजलास दी कारवाई दा दूजा पड़ा शुरू होया। इस दौरान विरोधी पार्टियां वलों लगातार मान सरकार नूं अमृतपाल सिंह दे मुद्दे दे नाल नाल होर कई मुद्दियां नूं लै के घेरिया जा रहा है। विधानसभा की कार्रवाई के अखीरले दिन अज सदन अंदर अमृतपाल खिलाफ की जा रही कार्रवाई का मुद्दा गूंजया। अकाली दल के विधायक ते सीनियर आगू मनप्रीत सिंह इयाली ने सिस्टम ते सवाल चुकदिया बेकसूर नौजवानों ते नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाउण दा विरोध किया। मनप्रीत इयाली ने सरकार नूं कानून के दायरे च रह के कार्रवाई करन दी अपील की। उन्हां कहा कि जेकर कोई कसूरवार है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए है पर बेकसूर नौजवानों नूं तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार करन दे लई पंजाब पुलिस दे वल्लों पंजाब दे होर कुछ सिख नौजवानों नूं भी हिरासत विच लिया जा रहा है जिसका मुद्दा काफी भखदा होया विखाई दे रही है। अज विधानसभा की कारवाई के आखिरले दिन सदन अंदर पंजाब पुलिस वल्लों की जा रही कारवाई का मुद्दा गूंजया। अकाली दल के विधायक और सीनियर आगू मनप्रीत सिंह इयाली ने सिस्टम से सवाल चुकदिया बेकसूर नौजवानों से नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाउण का विरोध किया। उन्होंने सरकार नूं कानून के दायरे विच रह के कारवाई करन लई कही है। नाल ही उन्होंने कहा कि जेकर कोई कसूरवार है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए है पर बेकसूर नौजवानों नूं तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। पंजाब के अंदर सरदार अमृतपाल सिंह के मसले नूं लै के जो एक दहशत का माहौल बनया होया उहदे बारे मैं गल करनी चाहुंदा क्योंकि बहुत सारे जिहड़े सिख नौजवान ने उन्हां नूं झूठे केसां च फसाया जा रहा। पिछले समय दे विच पंजाब ने बड़ा संताप हंडाया खास तौर पर सिख ने जिहड़े उन्हां नूं अज पंजाब दे विच गुलामी का अहसास करवाया जा रहा जिहड़ा नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा रहा। मैं समझदा कि बड़ी माड़ी गल आ क्योंकि जे कोई भी कसूरवार आ चाहे अमृतपाल आ जां होर आ कोई जे किसी ने कोई गुनाह किया तां कानून दे दायरे दे विच रह के उहदे ते जिहड़ी इह कारवाई होनी चाहीदी सी। लेकिन जो भी माहौल इंटरनेट बंद किया गया पिछले 3-4 दिनों तो देशों विदेशों के खास तौर पर NRI जिन्हें भी सिख बैठे ने अज वो पंजाब के माहौल में लैके बहुत ही ज़्यादा चिंतक ने। सो जिहड़े भी बेकसूर सिख नौजवान ने जिहड़े पिछले कुछ दिनों तो पंजाब दे विच भी खास तौर पर मेरे हल्के दे विचों भी जिन्हां नूं बिना वजह गिरफ्तार किया गया सो तुरंत वो सारे जिहड़े नौजवान ने वह रिहा कराए जाण ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। पार्टी के प्रधान सुखबीर बादल ने ऐलान किया है कि अकाली दल वालों सूबे च गैर संविधानक ढंग नाल गिरफ़्तार किए गए सिख नौजवानों को कानूनी सहायता दी जाएगी। सुखबीर बादल ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर वड्डी गिणती च नौजवान गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। सरकार की इस कार्रवाई विरुद्ध अकाली दल के लीगल सैल के प्रधान एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर की अगवाई हेठ वकीलों की 13 मैंबरी कमेटी बनाई गई है जो वख-वख ज़िलों च पार्टी आगुआं नाल तालमेल करके
फौरी कानूनी सहायता मुहैया करवाएगी। ऑपरेशन अमृतपाल तहत पंजाब पुलिस दे वलो गिरफ्तारियां ते गिरफ्तारियां कीतियां जा रही ने। इस दौरान पुलिस ते ए भी इल्जाम लगाए जा रहे है कि पुलिस बेकसूर अमृतधारी सिख नौजवानां नूं भी हिरासत विच लै रही है, जिसकी हर पासे निंदा हो रही है। इस दौरान हुन श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने वड्डा ऐलान कर दिता है। उन्होंने कहा है कि अकाली दल वलों सूबे दे विच गैर संविधानक ढंग नाल गिरफ्तार किए गए सिख नौजवानां नूं कानूनी सहायता दिती जावेगी। उन्होंने कहा कि शक दे आधार ते वड्डी गिनती नौजवान गिरफ्तार किए गए नी अते सरकार दी इस कारवाई विरुद्ध अकाली दल दे लीगल सैल दे प्रधान एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर दी अगवाई हेठ वकीलां दी कमेटी बनाई गई है, जो वख-वख जिलिआं दे विच पार्टी आगुआं नाल तालमेल करके फौरी कानूनी सहायता मुहैया करवाएगी। हुण मैं सरकार नूं सिद्धा ते स्पष्ट सवाल पुछना चाहुंदा कि जो अजनाले की घटना सी वो एक लॉ एंड ऑर्डर का विशा सी, सरकार एक्शन लैण दे विच नाकाम रही और हुण साडी सरकार ने केंद्र नू जिस तरीके दे नाल सूबे दे विच वाड़ लिया और अपनी मनमर्जियां केंद्र की पुलिस साडी सूबा सरकार दे नाल मिलके कर रही है, ये जवाबदेही किहदी है? और पंजाब दे मुख्यमंत्री अज की कहिंदे ने? कहिंदे जी बहुत वधिया कार्रवाई कर रही है पंजाब सरकार केंद्र दे नाल मिलके, देखो असी किस तरीके दे नाल नौजवानों नू फड़ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब नू पुछना चाहुंदा कि मुख्यमंत्री साहब अपने अंदर झाती मारो, तुसी पंजाब दे सिख नौजवान खास करके अमृतधारी नौजवान 20-20 सालां दे बच्चियां दे उत्ते NSA ला रहे हो, तुसी समझदे हो मतलब NSA दा? इस कानून दे तहत तुसी साडी पंजाब दी जवानी नू दोबारा उस बर्बादी दी अग्ग च धक रहे हो जिहड़ा किसे समय 1980 दे दहाकियां दे विच कांग्रेस ने पंजाब दे विच कीता, जिहड़े नौजवानां ते 20-20 22-22 सालां दे नौजवानां ते अज NSA वर्गियां सख्त धारावां ला के जेल दे विच सुट्टिया जा रहा है, असाम दी डिब्रूपुर जेल दे विच लैके जाया जा रहा है, वह नौजवानां दी जिंदगी दा जिहड़ा घाण हो रहा है, उन्हां दी जिंदगियां जिहड़ियां बर्बाद हो रहियां ने, इह किहदी जिम्मेवारी बनदी है? कौन इहते जवाबदेही देगा? पंजाबी नौजवानां दी जिहड़ी चिंता अज साडे मनां च है कि कैसी नैशनल सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर तो थोड़े तो सूबे का आप नहीं समझता, कार्रवाई करन दे विच तुसी आप देरी कर दे हो ते उहदी जिम्मेवारी हुण तुसी पंजाब दे नौजवानां ते ठहरा रहे हो। सो अज सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के दिशा निर्देशों के उत्ते श्रोमणी अकाली दल लीगल सैल ने एक 13 मैंबरी स्टेट बॉडी की अनाउंसमेंट की है, जिदे च श्रोमणी अकाली दल के सीनियर वकील साहबान ते साडे होर भी लीगल सैल के जिन्ने मैंबर ने जिन्हां नूं असीं बकायदा प्रेस नोट थोड़े नाल शेयर करांगे और अज उन्हां चों मैक्सिमम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच मौजूद ने। वो लीगल सैल हर एक जिले दे विच जिथे कोई सिख नौजवान कोई सिख परिवार कोई पंजाबी परिवार जिन्हों ये अज देश द्रोही साडी सरकार साबित करना चाहती है, वह चाहे साडे श्रोमणी अकाली दल दे लीगल सैल दे नाल कॉन्टैक्ट करन, चाहे साडी लोकल लीडरशिप दे नाल कॉन्टैक्ट करन, असीं अपने फोन नंबर भी जारी करांगे सीधा साडे नाल कॉन्टैक्ट करन, उन्होंने हर एक लीगल जी मदद संभव मदद उन्होंने घर तक पहुँचाई जाऊ। एक पासे जिथे कुछ विरोधी धिरां वालों अमृतपाल ते कार्रवाई को लेकर सूबा सरकार से सवाल चुके जा रहे हैं, उत्थे ही भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब सरकार को खुलेआम समर्थन देने का ऐलान कर दिता है। पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा ने ऑपरेशन अमृतपाल से कहा कि सरकार इस मामले पर वधिया काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जिहड़ा भी कदम चुके दृढ़ता नाल चुके, असी सरकार दे नाल खड़े हाँ। अश्विनी शर्मा अनुसार देश नूं तोड़न दा सुफना वेखण वालियां ताकतां नूं सख्ती नाल कुचलना जरूरी है। पंजाब विधानसभा सैशन दा अज आखरी दिन है अते इस आखरी दिन दी कारवाई दौरान अमृतपाल सिंह दा मुद्दा विधानसभा दे विच जोरदार ढंग दे नाल गूंजदा होया विखाई दे रही है। जिथे कुछ पार्टियां पंजाब सरकार दा विरोध कर रहियां ने, उथी हुण भाजपा दे वल्लों ऑपरेशन अमृतपाल तहत पंजाब सरकार दा समर्थन करन दा ऐलान कर दिता गया। पंजाब भाजपा दे प्रधान अश्विनी शर्मा ने अमृतपाल सिंह नूं लै के चलाए गए ऑपरेशन अमृतपाल ते कहा कि सरकार इस मामले ते वधिया काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह वेला नुक्ता चीनी करन दा नहीं है अते ना ही प्रश्न करन दा है, सगो इस वेले पंजाब दा अमन शांति भाईचारा सब तो अहम है। उन्होंने कहा कि सरकार जेड़ा भी कदम चुके दृढ़ता नाल चुके, असी सरकार दे नाल खड़ी हां। स्पीकर साहब, आप जी ने बोलन दा मौका दिता है, बहुत अच्छी गल है, तुहाडा धन्नवाद भी है। अज मेरे तो पहला साढ़े साथी बोल के गए ने और उन्होंने शब्द प्रयोग किया सिख, मैनू इस ते एतराज है। सिख बड़ी बहादुर कौम है और शूरवीरता उहदा गहना है,
और पूरे हिंदुस्तान का सम्मान है, लेकिन अमृतपाल दे नाल अपने आप नूं खड़े करदे होए दिखाना, जिहड़ा कहिंदा कि मैं इस हिंदुस्तान का वासी नहीं हाँ, मैं हिंदुस्तान के संविधान नूं नहीं मनदा, हिंदुस्तान के कानून नूं नहीं मनदा। हाँ, इहदे नाल मैं एक गल जरूर जोड़दा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति दे नाल नजायज़ नहीं होनी चाहिए जिहड़ा जिहदा कोई कसूर नहीं है, लेकिन जिहड़ा इस देश नूं तोड़न दीआं गल्लां करे, इत्थों दे भाईचारे नूं कमजोर करन दीआं गल्लां करे, पंजाब ने 80 दे दहाके ते जाण वालीआं गल्लां करन, मैं तां कई वारी सोचदा है नहीं है इत्थे अगर इहदे ते वी इह चर्चा हो जाए। यह अज कांग्रेस इसे करके इस जगह ते पुजी है कि वह अंतर नहीं कर पाती कि किहड़े मुद्दे ते राजनीति करनी है, कि जो देश की गल है, स्टेट की गल है, एके की गल है, अमन की गल है, शांति की गल है, और तिरंगे का अपमान करने वाले तुसी अपने नाल जोड़ दो दिखाओ। मेरा आप जी दे राही ये बेनती है कि सरकार दृढ़ता दे नाल, और मैं यकीन भी दवाना असीं चट्टान की तरह खड़े हाँ, अज नुक्ताचीनी का समय नहीं है, अज प्रश्न खड़े करन दा समय नहीं है, प्रश्न खड़े करांगे, अनेक मौके आंदे हैं कि असी सरकार नूं घेरांगे, लेकिन इस वेले पंजाब दा अमन शांति भाईचारा जड़ा सरकार जो कदम उठा रही है दृढ़ता नाल उठाई, पूरा पंजाब पूरे पंजाबी तुहाडे नाल ने, ये आधार खो चुके ने। और सरकार मैनू एक गल होर कहनी है, किसे नाल नजायज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अज क्योंकि सैशन चल रहा है, सरकार वालों हुण तक कीती गई कार्रवाई जे उचित होए ते सदन नूं देनी चाहिदी है। इस नाल ही उन्होंने भी मांग कीती है कि सरकार वालों अमृतपाल नूं लेके हुण तक दी कीती गई उचित कार्रवाई सदन नूं देनी चाहिदी है। दस दईए कि अमृतपाल सिंह ते लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाईयां कर रही है, NSA धारा लगाउण तों बाद हुण अमृतपाल सिंह दे खिलाफ लुकआउट नोटिस अते गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिता गया। पंजाब विधानसभा की कार्रवाई का अज आखिरी दिन सी, इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हलवारा विखे बनाए जा रहे हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम से रखने का मता पेश किया। उन्होंने कहा कि इसलिए अंतरराष्ट्रीय हवाबाजी मंत्रालय को प्रस्ताव भेज के सिफारिश की जाएगी। पंजाब सरकार के इस कदम की अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह इयाली ते भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने शलाघा की। पंजाब विधानसभा दे आखरी दिन दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हलवारा विखे बनाए जा रहे हवाई अड्डे दा नाम शहीद करतार सिंह सराभा दे नां ते रखण दा मता पेश कीता। संबोधन करदे होए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सानू अपने शहीदां नूं शहीद दा दर्जा देण दे विच कतराउणा नहीं चाहीदा। नाल ही उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे लई बजट भी जारी कर दिता गया। शहीद करतार सिंह सराभा जी दा जिहड़ा योगदान है देश की आजादी उन्हूं अज याद किया गया, उन्हां दे नां ते शहीद करतार सिंह करतार सिंह सराभा अंतरराष्ट्री हवाई अड्डा हलवारे वाला जिहड़ा उहदा असीं प्रस्ताव अज इत्थे लैके आंदा है। और मैनूं नहीं लगता कि किसी भी मैंबर नूं इत्थे कोई दस्सण दी जां उन्हां बारे तैयारी करन दी लोड़ होगी जां होमवर्क करन दी कि शहीद करतार सिंह सराभा बारे जे बोलना पै जे तां असीं सारे जाणदे हां। प्रीत सिंह जी, इयाली साहब, अश्विनी शर्मा जी, डॉक्टर छत्रपाल जी, जिन्हां ने हैल्दी डिबेट दे विच पार्टिसिपेट किया और खुले दिलों इस नेक काम लई सरकार दा सहयोग किया, उहदे लई मैं धन्यवाद करदा। असी जदों मोहाली का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखिया तो एक बहुत बड़ा एक साढ़े को पॉइंट है जी कि जे असी हवाई अड्डिया के नाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डिया के नाम रख सकते हैं तो शहीद का दर्जा क्यों नहीं दे सकते। लोग सभा के शहीद आजम भगत सिंह जी का बुत लग्या होया बहुत बड़ा, वह भी एक इस गल का सबूत है। सो असी अपने शहीदों शहीद का दर्जा देने कोई कतराना नहीं चाहिए। जिस तरह अयाली साहब ने कहा शहीद जिहड़े ने वह किसी परिवार के नहीं होंदे, वह देश के होंदे ने, अमर होंदे ने। सो ये जिहड़ा हवाई अड्डा है ये वास्ते बजट जिहड़ा जारी कर दिता गया है। मैं दो बारी उत्थे जा भी चुकिया, दीवार का कम चल रहा है, चार दीवारी का टर्मीनल का भी हो जूगा। साड़ी जिहड़ी अहमियत वो ये है कि मई के एंड जून
ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਹਲਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਧੂਗਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੀਤ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50-50 60-60 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਘੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਕਰਨਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਥਾਪੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ, ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।